डॉक्टर सिद्धार्थ रॉय होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर सिद्धार्थ रॉय हूँ। आज का विषय है क्या है कोविड वेरिएंट XE। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। आइए शुरू करते हैं। नया कोविड संस्करण XE। नया कोविड संस्करण XE कोविड 19 के ओमिक्रॉन BA1 और BA2 सब लाइनेज को पुनः संयोजक है। WHO नए कोविड संस्करण XE पर ब्रिटेन में पहली बार जनवरी में हाइब्रिड स्ट्रेन का पता चला था। WHO के अनुसार यह अभी तक का सबसे अधिक संचरणीय रूप हो सकता है और BA2 की तुलना में 10% अधिक आसानी से फैलने का अनुमान है, जो स्वयं मूल ओमिक्रॉन की तुलना में भी अधिक पारगम्य था। लक्षण ओमिक्रॉन से कैसे भिन्न है? चिकित्सकीय रूप से कोई भी किसी भी प्रकार के बीच अंतर नहीं कर सकता है। ऐसा लगता है कि नया सब वेरिएंट XE ओमिक्रॉन के सभी लक्षणों को साझा करता है। ये आमतौर पर हल्का होता है और बहुत गंभीर नहीं होता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक XE संस्करण लगभग 3 महीने से मौजूद है और ओमिक्रॉन की तरह पूरी दुनिया में नहीं फैला है, तो यह एक विशिष्ट रूप नहीं है बल्कि यह ओमिक्रॉन के समान है। सावधानियां अनिवार्य रूप से समान है। इन एहतियात उपायों से सभी पिछले 2 सालों से वाकिफ हैं। भले ही स्थानीय राज्य सरकार ने मास्क के मानदंड को हटा दिया हो, मेरा मानना यह है कि हमें मास्क पहनना जारी रखना चाहिए, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए और बस अपने स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम पूरी तरह से टीका लगाया गया है और यदि कोई बूस्टर खुराक के लिए योग्य है तो उसे प्राप्त करना चाहिए। कोविड से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने की होम्योपैथिक दवाएं, जिनमें शामिल है चाइना, आर्सेनिक, फेरमफॉस। किसी भी होम्योपैथिक दवा के प्रयोग के पहले अपने होम्योपैथ चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। और हाँ, कोविड से लड़ने के लिए सभी कोविड मापदंडों का पालन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।